हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपने एफएम व्हाट्सएप को अपडेट करना, सो कैसे आप लोग अपडेट कर सकते हैं, मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। एफएम व्हाट्सएप के अंदर न्यू अपडेट आ चुका है और कैसे आप लोग अपडेट कर सकते हैं, मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग बिना कोई चैट गवाए आप लोग आसानी से अपने एफएम व्हाट्सएप को अपडेट कर सकते हैं, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि कैसे आप लोग अपने एफएम व्हाट्सएप को अपडेट कर सकते हैं। मैं आप सभी को दो तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप लोग अपने एफएम व्हाट्सएप को अपडेट कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका है उसे आप लोग वन क्लिक के अंदर अपने एफएम व्हाट्सएप को अपडेट कर सकते हैं। सो एफएम व्हाट्सएप को अपडेट करने के लिए आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप सभी को क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ यहाँ पे इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। आने के बाद आप सभी को स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे एफएम व्हाट्सएप का यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एफएम व्हाट्सएप है, सामने यहाँ पे वर्जन दिया गया है, साथ ही में डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। आप सभी को डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड आ सकता है, ऐड को आप सभी को कट कर देना है। ऐड आया, ऐड को आप लोग कट कर देंगे। कट करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड द फाइल इन 3 सेकेंड 2 सेकेंड 1 सेकेंड, यहाँ पे 0 सेकेंड 0 सेकेंड होने के बाद यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, और आप सभी को यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐड आ सकता है, अगर ऐड आएगा तो आप सभी को ऐड को कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि एफएम व्हाट्सएप का यहाँ पे डाउनलोड वाला ऑप्शन है। यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपके फाइल मैनेजर के अंदर APKs वाले ऑप्शन के अंदर चला जाएगा ये वाला फाइल। उसके बाद आप सभी को इंस्टॉल कर लेना है, वहाँ से जाकर आप सभी को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका जो एफएम व्हाट्सएप है वो अपडेट हो जाएगा। सो आप सभी को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका एफएम व्हाट्सएप अपडेट हो जाएगा। अब मैं आप सभी को एक और तरीका बताता हूँ जिससे आप लोग अपने एफएम व्हाट्सएप को अपडेट कर सकते हैं आसानी से वन क्लिक के अंदर। वन क्लिक के अंदर आप सभी को अपडेट करना है। सो आप सभी को आ जाना है टेलीग्राम के अंदर। आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है टेक्निकल रिपब्लिक, सर्च कर लेना है टेक्निकल रिपब्लिक, और इस वाले चैनल को आप सभी को ज्वाइन कर लेना है। देख सकते हैं टेक्निकल रिपब्लिक, आप सभी को चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं FMWA जो फर्स्ट वाला फाइल है, इसको आप सभी को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका FM WhatsApp अपडेट हो जाएगा। सो यहाँ पे आप सभी को फाइल देखने को मिलेगा FM WhatsApp का, और आप सभी को इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। आप लोग यहाँ से वन क्लिक के अंदर अपने FM WhatsApp को अपडेट कर सकते हैं। सो आप सभी को जाना है टेलीग्राम के ऊपर। जाने के बाद वहाँ पे सर्च करना है टेक्निकल रिपब्लिक, सर्च करने के बाद ज्वाइन कर लेना है चैनल को, ज्वाइन करने के बाद यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। सो आप लोग इस प्रकार से आसानी से अपने एफएम व्हाट्सएप को अपडेट कर सकते हैं। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।